So today we would be looking on the course BEG 141, जिसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर था BEGE 105, दैट इज़ ऑफ द कोर्स टाइटल अंडरस्टैंडिंग प्रोज. ओके, सो ये आपका दिसंबर 2021 का टर्म एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है, जो रिसेंट ही हुआ है, और ये अंडरस्टैंडिंग प्रोज का सेम आपका टाइटल है. ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर कोड का एक है, तो हम लोग देखेंगे कि 5 ईयर सेशन इसका क्या कोड है. इसका नेक्स्ट सेशन वीडियो जो मैं बनाऊंगा ये 5 सेशन वीडियो के बाद, वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस कोर्स, दैट इज़ BEGE 141. ओके, सो टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसको आप क्वेश्चंस देखिए कैसे करके क्वेश्चन पैटर्न्स आता है, और अगर कुछ मटेरियल्स होता है तो वो भी मैं उसके ऊपर में भी मैं वीडियो बनाऊंगा. अगर गेस्ट पेपर्स इफ़ देर इज़ अवेलेबल, इफ़ आई गेट द मटेरियल देन डेफिनेटली आई विल मेक इट. सो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पैटर्न को, और अगर हो सके तो आप इसके आंसर्स भी खोजने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइट कम. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये 3 आवर्स का पेपर है और ये 100 मार्क्स का पेपर दिया गया है. तो आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, योर आंसर शुड बी इन अप्रॉक्सीमेटली 400 वर्ड्स ईच अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. तो 400 वर्ड्स करके होगा, या अगर उसका कम या बेसी होगा तो उसके बारे में आपको बताना है. तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है नंबर 1, हाउ मेनी स्टोरीज आर मर्ज्ड इन द प्लॉट ऑफ द बाइंडिंग वाइन. ठीक है, बाइंडिंग वाइन में कितने सारे स्टोरीज है, और व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन उर्मी एंड मीरा, इसके बारे में आपको बताना है. ये कैरेक्टर्स के बारे में, आपका रिलेशनशिप के बारे में आपको बताना है. फिर गिव अ डिटेल्ड आंसर. 20 मार्क्स का ये आंसर है, और रफली ये आपका 400 वर्ड्स का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है. सेकंड जो ऑड में जो क्वेश्चन है, डू यू अग्री दैट द एंडिंग ऑफ द बाइंडिंग वाइन शोज उर्मीज कमिंग टू टर्म्स विथ लाइफ. तो इसके बारे में आपको बताना है कि जो वाइन, जो बाइंडिंग वाइन में जो स्टोरी आपको बताया गया है, उसमें उर्मी का जो टर्म्स विथ लाइफ है वो सही दिखाया गया कि नहीं एंडिंग में. ठीक है, हर विंडिक्शन दैट द अर्ज टू सर्वाइव इज़ द बेसिक अर्ज इन ऑल बीइंग्स एंड दैट लाइफ इज़ टू बी लिव्ड एज इट कम्स. इसके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या विंडिक्शन था, क्या क्या लाइफ के बारे में था. इसके बारे में अगर कोर्स में ये आपका है तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा. कुछ कुछ कोर्स में आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसीलिए टू सी आउट दैट, चेक आउट दैट वेदर दीज स्टोरीज आर स्टिल देयर और नॉट. ओके, सो ये आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन है. डू नॉट वरी, इफ देयर इज मटेरियल देन डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड, बट एट द प्राइमरी फेसी और द फर्स्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो इज टू सी द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट माइट कम. सो आप लोग इस चीज़ को समझिए. ठीक है, तो नंबर 2 है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ लॉरेंसेज स्पीच बाई फाइनल आवर. ठीक है, 20 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, जो आपका 400 वर्ड्स में आपको देना है अप्रॉक्सीमेटली. इलस्ट्रेट द कैरेक्टर्स इन द अदर वुमेन बाय डीना मेहता. तो आपका कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है, कैरेक्टर कंपैरिजन भी आ सकता है, कैसा टाइप के क्वेश्चन है आप देख सकते हैं. एग्जामिन इन द बायोग्राफिकल टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाई बॉसवेल इन द सिलेक्शन फ्रॉम द लाइफ ऑफ सैम्यूल. ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्रिटिकली अप्रिशिएट गोल्डिंग द इनहेरिटर्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ नरेटिव प्रोज. तो यहाँ पर चांसेस क्या है कि ऐसे करके एक पर क्वेश्चन और नहीं दिया जाएगा आपका, शायद 6 क्वेश्चन दिया जाएगा या 3-5 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 3 या 2 करना होगा. तो उसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, तो इट विल बी ऑप्शंस विल बी स्लाइटली लेस. जैसे आपका कोई लिटरेचर पेपर होता है, जैसे BEGC 134 आपने दिया होगा, या BEG 142 बहुत सारे लोग देखे हैं, तो बहुत सारा वैसे ही टाइप का सेम टाइप का पैटर्न रहेगा अगर कोई लिटरेचर पेपर आपने पहले भी दिया होगा. ठीक है, फिर है क्रिटिकली अप्रिशिएट द गोल्डिंग्स इनहेरिटर्स एज एन एग्जांपल ऑफ नरेटिव प्रोज. तो नरेटिव प्रोज के हिसाब से ये कैसे करके ये है, इसके बारे में आपको बताना है. अब नरेटिव प्रोज आप जानते हैं कि नरेटिव प्रोज में आई मी दे देम ये सब चीज़ यूज़ होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है. फिर 4 है, व्हाट इज़ एक्सपोजिटरी प्रोज. अब एक्सपोजिटरी प्रोज क्या है, इसके बारे में आपको बताना है. ठीक है, आपको डेफिनेशन पूछा गया है. फिर आपको बताना है कि डिस्कस रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोजिटरी प्रोज. एक्सपोजिटरी प्रोज में क्या है कि आप एक्सप्लेन करते हो या कोई चीज़ को समझाते हो, तो ये चीज़ को एक्सपोजिटरी प्रोज में कैसे करके वो दिखाया गया है, इसके बारे में आपको बताना है. ठीक है, ये आपको 20 मार्क्स का है. फिर एनालाइज द व्यूज ऑफ एडमंड लीच इन मैन एंड लर्निंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोजिटरी प्रोज. तो ऐसा टाइप अगर क्वेश्चन आए तो आप बताइए कि क्या क्या जो एलिमेंट्स है, एक्सपोजिटरी प्रोज आपने पढ़ा था तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है जिससे वो एक्सपोजिटरी प्रोज कहा जाता है. ठीक है,
तो इसमें आपको यह बताना है। ओके नेक्स्ट, तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ एक्सपोजिटरी प्रोज, इसके बारे में आपको बताना है। फिर बोलना है कि डिस्कस रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेज एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोजिटरी प्रोज, तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर एनालाइज द व्यूज ऑफ एडमंड लीच इन मेन लर्निंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोजिटरी प्रोज, तो एक्सपोजिटरी प्रोज, नरेटिव प्रोज, डिस्क्रिप्टिव प्रोज, इसके बारे में आपको पता था। आप बेगला 138 में भी ये पढ़े हैं और ये कोर्सेज में भी ये आपका फिर से आ रहा है, इट इज़ कमिंग बैक। तो इसके बारे में आपको बताना है कि एक्सपोजिटरी प्रोज का एलिमेंट्स आपको बताना है कि इट इज़ यूज फॉर एक्सप्लेनेशन, और आपका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन में वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट आर द रेटोरिकल स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड बाई टैगोर इन द आर्टिस्ट, ओके। तो रेटोरिकल स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड बाई टैगोर इन द आर्टिस्ट, इसके बारे में आपको बताना है। फिर 6 है, एक्सप्लेन द आर्ट एंड क्राफ्ट राइटिंग ऑफ राइटिंग अ डायरी फ्रॉम योर स्टडी ऑफ एनी फ्रैंक्स द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चंस आने का बहुत हाई चांस है। एनी फ्रैंक्स द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ओके। तो कैसे करके राइटिंग अ डायरी ऑफ फ्रॉम योर स्टडी है, ये आपका प्राइम एग्जाम्पल आपका एनी फ्रैंक्स जो है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे करके राइटिंग अ डायरी के बारे में आपको बताया गया है। तो ये आपका डायरी का कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट है कि और ऑन द बेसिस ऑफ द लेगेसी बाई वर्जीनिया वुल्फ राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन हर प्रोज स्टाइल, तो उसका प्रोज स्टाइल कैसा था इसके बारे में आपको लिखना है। 20 मार्क्स करके है। फिर 7 क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 2 × 10, 20 मार्क्स, ओके। तो ये है द शॉर्ट स्टोरी एंड द नॉवल। तो शॉर्ट स्टोरी और नॉवल में क्या डिफरेंस है इसको आपको बताना है। जैसे सपोज शॉर्ट स्टोरी आपका जो है वो आपका 5-6 पेजेस में ख़त्म हो जा सकता है या 3-4 पेजेस में ख़त्म हो जा सकता है, उसका वर्ड लिमिट थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी का मतलब ही ये है कि शॉर्ट स्टोरी है, तो इसका आपका विद इन एक वर्ड लिमिट से सपोज 500 या 1000 वर्ड्स या उससे ज़्यादा थोड़ा आपका होगा, मैक्सिमम 1000 वर्ड्स में रहेगा या वैसे ही टाइप का कुछ 1000 या 1500 वर्ड्स में हो जाएगा। वेयर एज नॉवल में आप लोग पढ़े हैं कि नॉवल एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है जहाँ कैरेक्टर्स है, सेटिंग है, बहुत सारा चीज़ है। स्टोरी में भी आपका कैरेक्टर सेटिंग प्लॉट रहता है स्टोरी में बहुत सारे में, बट इसका ना प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है नॉवल में, एंड इट इज़ नॉट लेस देन 50,000 वर्ड्स नॉवल, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में भी आपने पढ़े थे अंडरस्टैंडिंग द नॉवल में, ठीक है। फिर एसे लेटर और ट्रेवलॉग क्या है, तो एसे लेटर, एसे का आप जानते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट दे दिया जाएगा अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में आपको लिखना होता है। लेटर आप कोई भी, आप कोई किसी को अगर इन्फॉर्म करना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं तो फॉर्मल लेटर है, आप बोल सकते हो फॉर्मल इनफॉर्मल किसी को भी आप लेटर लिख सकते हो। टू गिव अ मैसेज और सेंड अ मैसेज। एसे इज़ टू राइट अबाउट अ टॉपिक और एक्सप्रेस अबाउट अ टॉपिक एंड यू हैव टू इलेबोरेट अबाउट अ टॉपिक। फिर ट्रैवलॉग क्या है, ट्रैवलॉग एक ट्रैवल राइटिंग है, ट्रैवलॉग में आपको बता सकता है कि राइट अबाउट अ ट्रैवलॉग या व्हाट इज़ अ ट्रैवलॉग या राइट अ डिफरेंस अबाउट एसे एंड ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग एक ट्रैवल राइटिंग है जहाँ पर आप कहीं पर भी आप ट्रैवल किए तो वहाँ के बारे में आप अपने एक्सपीरियंसेस बताए या क्या क्या आप फील किए उसके बारे में आप लिखते हो। फिर है इनफॉर्मल ऑटोबायोग्राफी एंड फॉर्मल ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी के बारे में आपको देखना है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद ही लिख रहा है, बायोग्राफी क्या है, कोई और लिख रहा है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद लिख रहा है, बायोग्राफी मतलब कोई और लिख रहा है, ठीक है। तो सेल्फ में आपका इनफॉर्मल और फॉर्मल में आपको बताना है। तो फॉर्मल में क्या है, फॉर्मल ऑटोग्राफी में क्या है, फॉर्मल वर्ड्स यूज़ किया जाता है, इनफॉर्मल में वो थोड़ा फिर भी आपका आप कोई कैजुअल चीज़ भी आप बता सकते हो, वर्ड्स आपको वैसे ही टाइप का रहेगा। डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज में क्या है, प्रोज में आपका आपका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पोएट्री में रिदम राइम प्रेजेंट होता है, प्रोज में भी आपका रिदम होता है बट राइम नहीं होता है बहुत सारे एलिमेंट्स में, बट पोएट्री में जैसे आपका रिदम राइम बहुत होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है, ओके। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेपर का जो सेशन का जो है, ओके। और हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कैसा टाइप का क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट पेपर वी विल सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी सॉ। तो ये हम लोग देख रहे हैं जून 2021 का, इससे पहले वाला सेशन का, मैंने करंट सेशन से स्टार्ट किया था। तो फिर से ये क्या है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, फिर से वही 400 वर्ड्स अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, स्टेटेड अदरवाइज। तो हम लोग यहाँ आते हैं, फिर से ये 100 मार्क्स का ही है,
फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज शशि देशपांडेज नोवेल द बाइंडिंग वाइन वॉइस फेमिनिस्ट कंसर्न्स? तो ये आप देखिए, यहाँ पर एक फेमिनिस्ट कंसर्न के बारे में आपको बताना है, क्या क्या फेमिनिस्ट कंसर्न है, क्या क्या अपराइजिंग्स है, इसके बारे में आपको बताना है कि फेमिनिस्ट कंसर्न्स क्या है वो स्टोरी में, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। पहले कैरेक्टर स्केच के टाइप का भी आपका बोल सकता है, या एक कोई क्रिटिकल एनालिसिस, या कोई एक पर्टिकुलर कंसर्न के बारे में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी के ऊपर में है। ओके, दैट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, द वे द वॉर ऑफ द वर्ल्ड इज़ ओपन एंडेड। अब ये ओपन एंडेड क्या है, हाउ डज इट इम्पैक्ट योर रीडिंग प्रोसेस? एक आपका क्लोज एंडेड रीडिंग होता है, एक ओपन एंडेड रीडिंग होता है। ओपन एंडेड रीडिंग में आपको बहुत सारा चीज़ आपके इंटरप्रिटेशंस के ऊपर में दिया जाता है, ठीक है। वो क्लोज एंडेड नहीं है, वो ऑथर सेंट्रिक नहीं होता है, वो आपका रीडर के ऊपर में बहुत सारे डिसीजन दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है, हाउ डज़ इट इम्पैक्ट योर रीडिंग प्रोसेस, मतलब रीडिंग प्रोसेस में आप कैसे करके उसको रीड करोगे, ठीक है। फिर डिस्कस द पैसेज फ्रॉम द ब्लीक हाउस एज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव प्रोज। तो फिर से वही चीज़ है कि एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव प्रोज, अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही है डिस्क्रिप्शन देना। तो एक डिस्क्रिप्शन, कोई भी चीज़ को आप डिस्क्राइब करो, से सपोज यू आर डिस्क्राइबिंग योर ओन सेल्फ, तो डिस्क्रिप्टिव प्रोज में क्या है कि ये आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि व्हाट इज़ व्हाट। तो इसके बाद ब्लीक हाउस के बारे में वो बताते हो कि इट इज़, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इट इज़ अ विंटरी चिली विंटरी नाइट, ठीक है, या द हाउस इज़ ब्रोकन डिलापिलेटेड अबव द हिल्स, या ऐसे कुछ तरीके से, या कुछ ऐसे करके आप उसको उसको बताना है कि डिस्क्राइब करना है कि वो डिस्क्रिप्टिव प्रोज क्या है। आप जब प्रोज में पढ़िएगा ना, उसका एलिमेंट्स भी वैसे टाइप का ही रहेगा, ठीक है। फिर है 3, हाउ डज आइसैक डिनसिनियन डिस्क्राइब द मार्शियंस इन आउट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो जो मार्शियंस है उनको कैसे करके डिस्क्राइब करता है आउट ऑफ अफ्रीका में, ये आपको बताना है 20 मार्क्स में। फिर हाउ डज डी एच लॉरेंस इम्प्लॉय सिमिली एंड मेटाफर इन मॉर्निंग्स इन मेक्सिको। अब आप लोग जानते हैं कि सिमिली और मेटाफर क्या है। सिमिली में एज और लाइक यूज़ होता है, और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट उसको यूज़ किया जाता है। तो क्या क्या सिमिली और मेटाफर है इसके बारे में आपको मेंशन करना है, अलॉन्ग विद द राइटर्स एंड द वर्क नेम एज वेल। कौन राइटर है, क्या है, अगर कुछ उसका बैकग्राउंड हो सकता है तो एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ आप दीजिएगा, क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर है गिव अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेवलॉग्स। ट्रेवलॉग्स के बारे में मैंने बताया कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, जैसे ट्रैवल राइटिंग है, तो कोई भी पहले जैसे बहुत सारे ट्रैवल राइटर्स होते थे, हिस्ट्री में भी आप देखिएगा कि बहुत सारे ट्रैवल राइटर्स इंडिया में आए हैं, ठीक है। तो बहुत सारा ट्रैवल राइटर्स यहाँ से वहाँ गए थे कि ताकि वो जान पाए कि एक पर्टिकुलर चीज़ का वे ऑफ कल्चर के बारे में क्या है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेपर का 3, ये है राइट अ नोट ऑन द यूज़ ऑफ सरकाज़म एंड आयरनी इन जमैकाज किनसाइड्स ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसमें सरकाज़म और आयरनी कैसे यूज़ होता है इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 का और यहाँ पर है, ठीक है, ये पेपर का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सरकाज़म और आयरनी जो है उसके बारे में आपको बताना है। सरकाज़म और आयरनी क्या होता है, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच में भी आप लोग पढ़े थे कि सरकाज़म और आयरनी से ये एक चीज़ को जो आप मीन करना चाहते हो उसको आप थोड़ा ह्यूमरस वे में आप बताते हो, या उसका जो इंटेंडेड मीनिंग है उससे डिफरेंट होता है। आप कुछ बोलना कुछ और चाहते हो और उसका मीनिंग कुछ और है, ठीक है। फिर है 5, हाउ डज जवाहरलाल नेहरू यूज द लेटर फॉर्म टू डिस्कस मैंस क्वेस्ट फॉर नॉलेज। तो इसके बारे में बताना है कि लेटर फॉर्म में, जैसे लेटर फॉर्म में बहुत सारा राइटिंग्स था, जैसे आप लोग एपिस्टोलरी नॉवल भी पढ़े थे, ठीक है, जो लेटर के ऊपर में नॉवल्स था, वैसे ही राइटिंग के ऊपर में, लेटर्स के ऊपर में कैसे करके जवाहरलाल नेहरू अपना शॉर्ट स्टोरी के ऊपर में लिखे थे उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर क्वेस्ट फॉर नॉलेज, इसके बारे में, मैंस क्वेस्ट फॉर नॉलेज, इसके बारे में आपको बताना है। फिर है 20 और डिफाइन ऑटोग्राफी एज अ फॉर्म ऑफ प्रोज। तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये कैसे करके एक फॉर्म ऑफ प्रोज है। तो एक ऑटोबायोग्राफी वो होता है जो खुद लिखा जाता है, जो राइटर जो है वो खुद लिख रहा है, ठीक है। तो वो कैसे करके एक फॉर्म ऑफ प्रोज है, वो भी एक टाइप का, कैसे करके वो अपने बारे में लिख रहा है एक प्रोज फॉर्म में, तो वो दिया जा रहा है। फिर है 6, डू यू अग्री दैट द शॉर्ट स्टोरी मदर इज़ अ फिक्शनल अकाउंट ऑफ जुडा वॉटन्स ओन लाइफ, सपोर्ट योर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट। तो आपको टेक्स्ट के अंदर में बताना है कि ये एक फिक्शनल अकाउंट है कि नहीं, 20 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग जब
थोड़ा बहुत थोड़ा टाइम मिलेगा तो आप लोग इसमें देख सकते हैं बुक में कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है इसके बारे में। अगर और भी अगर वीडियोस आए तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, ठीक है, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे पोइट्री है, प्रोज है। अब पोइट्री मैंने, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उधर पे रिदम राइम है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो प्रोज में आपका वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, लाइक जेनरली आपका प्रोज एक ऐसे फॉर्म ऑफ स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी में, ठीक है, या ऐसे फॉर्म में होता है प्रोज, और पोइट्री आपका एक वर्ड्स फॉर्म में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ड्स फॉर्म में होता है पोइट्री, ठीक है, तो वर्ड्स फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फिर आयम्बिक पेंटामीटर, बहुत सारा स्ट्रेस राइम रिदम ये सब चीज़ यूज़ किया जाता है। फिर बी है शॉर्ट स्टोरी एज अ फॉर्म ऑफ प्रोज, तो शॉर्ट स्टोरी कैसा एज अ फॉर्म ऑफ प्रोज है इसके बारे में आपको देखना है। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोज क्या है इसके बारे में आप ज़रूर से देख लीजिएगा, एक फॉर्म ऑफ प्रोज आपका कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, जैसे ऑटोबायोग्राफी एज अ फॉर्म ऑफ प्रोज यहाँ पर हम लोग जैसे देखें, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग देख रहे हैं कि शॉर्ट स्टोरी एज अ फॉर्म ऑफ प्रोज, सो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोज ये आप देख लीजिएगा। फिर डिस्क्रिप्टिव प्रोज एंड नरेटिव प्रोज, अब डिस्क्रिप्टिव प्रोज जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट गिव्स डिस्क्रिप्शन, जैसे आप कोई चीज़ को डिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि आई एम दिस, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दैट प्लेस, या आप कोई चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, कोई कोई भी चीज़, आप कोई हाउस को डिस्क्राइब कर रहे हो या कोई चीज़ को स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो एक डिस्क्रिप्टिव प्रोज में एक चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है एक पर्टिकुलर राइटिंग में, वहाँ पर सारा चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। नरेटिव प्रोज में जैसे मैंने बताया आई मी माई यू दिए, वहाँ पर वो से करके लिखा जाता है, वहाँ पर आप देखिएगा राइटर ऑथर फर्स्ट पर्सन नरेटिव या सेकेंड पर्सन नरेटिव या थर्ड पर्सन नरेटिव में वो लिखता है। फिर है सिमिली एंड मेटाफर, सिमिली वही एज अ लाइक में है, जैसे ही इज़ ब्रेव एज लायन और ही इज़ लाइक अ लायन, या इज़ और एज और लाइक नहीं यूज़ कर सकते मेटाफर में, तो जैसे द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो वैसे ही टाइप का मेटाफर है, तो मैंने एक एग्जांपल भी आप लोग को दे दिया। तो ये था आपका सेकंड पेपर, ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग पेपर को समझ पा रहे हैं कि कैसे करके ये करना पड़ेगा। दिस इज़ द थर्ड पेपर दैट वी विल बी डूइंग, ओके। अब ये आपका, अगर आप देखिएगा तो हम लोग पहले दिसंबर 2021 का किए थे, फिर जून 2021 का किए, ये दिसंबर 2020 सेशन का है, ओके, जो कि फरवरी 2021 में हुआ था, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम में वो डिले हो गया था एग्ज़ाम्स। तो BEGE 104105 का ये है, ये आपका 141B है आपका कोर्स, जो कि BEGE 141 है अभी के लिए, ठीक है। तो फिर से वही 400 वर्ड्स का है, तो हम लोग का भी देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, एक आपका फर्स्ट है, फिर है एक्सपोजिटरी प्रोज, फिर सी है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल। अब फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, जैसे आप लोग पढ़े थे, जैसे सिमिली है, ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच में आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, आप कैसे करके आप लिखते हो, कैसे करके आप उसको जैसे बोलते सकते हैं कि आप ज्वेलरी है, या आप कोई कोई चीज़ को ना बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, सिमिली अलिट्रेशन, ठीक है, बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीच आप लोग पढ़े हैं, मेटाफर, मेटेनमी, सिनेक्डिकी, ठीक है। फिर है एक्सपोजिटरी प्रोज, सेम चीज़ है, एक्सपोजिटरी क्या है, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में आपका एक्सप्लेन किया जाता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ अ नॉवल क्या है, ये एस्पेक्ट्स ऑफ अ नॉवल में आप देखे होंगे कि क्या है, ये चीज़ आप देखें, सेटिंग, प्लॉट, ये सब चीज़ आप देखे होंगे कि क्या क्या एस्पेक्ट्स ऑफ अ नॉवल था, लास्ट ईयर भी आपके कोर्स में था ये BEGC 134 में। फिर नंबर टू क्या है, ये आपका 2 × 10 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर टू क्या है, जस्टिफाई द कमेंट बी स्ट्रॉन्ग बिफोर पीपल ओनली वीप बिफोर गॉड, तो इसके बारे में आपको बताना है फ्रॉम द स्टोरी मदर, तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट कमेंट दे दिया गया है, इसको आपको एलैबोरेट करना है कि व्हाट इज़ दिस थिंग। तो पहले तो आपको बताना है कि कौन सा स्टोरी से लिया गया है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी, ठीक है, उसके बाद आप यू प्रोसीड। फिर है द स्टोरी माइजरी डील्स विद ह्यूमन इनसेंसिटिविटी, डू यू अग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। माइजरी में कैसे करके ह्यूमन से इनसेंसिटिविटी था इसके बारे में आपको बताना है, और डू यू अग्री और इफ यू नॉट अग्री इसके बारे में आपको रीजन देना है, दोनों हो सकता है। फिर अटेम्प्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ उर्मी, तो कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है, कैरेक्टर स्केच के बारे में आप जब बोलते हो तो आपको बोलना है कि उर्मी का कैरेक्टर क्या था, क्या चीज़ आपको बताना है इसके बारे में आपको लिखना है। फिर से आपका ये चीज़ आप देखिए कि जब आप कोई कैरेक्टर स्केच के बारे में भी आप बोलते हो, अगर वो 20 मार्क्स का है, तो यू शुड टेल दैट दिस इज द कैरेक्टर फ्रॉम दिस बुक और दिस प्रोज एंड द राइटर्स नेम एज वेल, बिकॉज सिंस इट्स अ 20 मार्क्स क्वेश्चन। एंड व्हाट टेक्निक हैज शशि देशपांडे यूज्ड इन द नॉवल द बाइंडिंग वाइन टू मेक इट इंटरेस्टिंग,
ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर व्हाट डिवाइसेस डज लैम्प यूज टू प्रोवोक ह्यूमर इन हिज एसे, अ डाइसेशन आई अ डाइसर्शन अपॉन रोस्ट पिग, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फिर इसके बारे में बताना है कि क्या ह्यूमर यूज़ किया जा रहा है। अब बहुत सारे ह्यूमर यूज़ होता है, जैसे डार्क ह्यूमर है, बहुत सारा ह्यूमर्स है, सरकैज़म है, आयरनी है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। कमेंट अपॉन सम फीचर्स ऑफ नेहरू स्टाइल फ्रॉम द लेटर द क्वेस्ट ऑफ मैन, तो इसके बारे में आपको बताना है क्या इसका फीचर्स है, ठीक है, क्या लेटर है, इसके बारे में आपको बताना है क्या क्या फीचर्स है इस चीज़ में। फिर 5 है, बोसवेल्स लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन शोज़ बोसवेल्स सक्सेस एज अ बायोग्राफर, तो बोसवेल सक्सेस एज अ बायोग्राफर है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर व्हाट टेक्निक्स डज ही यूज़ टू मेक इट सो, वो क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर 20 मार्क्स का ये है। फिर डिस्क्राइब गांधीज एक्सप्रेशन व्हेन ही स्पेंड सम टाइम विद गोखले, तो इसके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या वो गोपाल की कृष्ण गोखले जो थे उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ लॉरेंस स्पीच, अब लॉरेंस स्पीच के बारे में देखना है अगर ये है कि नहीं। फिर है कमेंट ऑन डायरी राइटिंग एज अ लिटरेरी फॉर्म विद द रेफरेंस टू द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जैसे आप देखिए कि डायरी फॉर्म के बारे में क्वेश्चन बहुत आ रहा है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, तो प्लीज़ सी दैट यू अटेम्प्ट दिस थिंग और ये चीज़ को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, तो यू सॉ दैट कैसे करके शॉर्ट स्टोरी, प्रोज, पोएम, ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट अ नोट ऑन एडमंड लीचेस व्यूज ऑन एडुकेशन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज एसे मैन एंड लर्निंग, तो इसके बारे में आपको बताना है कि एडुकेशन कैसे करके व्यूज़ ऑन एडुकेशन जो है ये रिफ्लेक्ट किया गया है, 20 मार्क्स का ये है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं द नेक्स्ट पेपर, सो वी आर इन थर्ड पेपर, नेक्स्ट वी विल गो ऑन द फोर्थ पेपर। And I am telling about the type of questions you might get for the course BEGE 141, that is of understanding prose. So this is of 3 hours and 100 marks thing. So answer any 5 questions, फिर से वो 400 words का है, तो ये आपका 80 marks का या 60 marks का या 40 marks का ऐसे करके आपका 20 marks का दे सकता है paper में, क्योंकि ये new course है, तो इट माइट बी लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 मार्क्स करके आपका 3 क्वेश्चंस दे दिया जाएगा। शॉर्ट नोट्स का आपका 20 मार्क्स का या 30 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट्स रहेगा, जैसे आप लोग हमेशा से करते थे, जैसे 5 मार्क्स या 10 मार्क्स करके क्वेश्चंस रहता था, और 10 20 मार्क्स का शायद 2 क्वेश्चन वो दे सकते हैं, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन स्ट्रक्चर होता है। लाइक वो हर 20 मार्क्स का आपका पूरा पेपर नहीं देता है, बहुत टाइम में ऐसा भी पेपर दे सकता है कि 100 मार्क्स का वो पेपर बना दे, बहुत टाइम में वो स्प्लिट कर देता है, 60 मार्क्स का अलग, 20 मार्क्स का अलग, और आपका बाकी 20 मार्क्स का 10 मार्क्स का आपको 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। जैसे आप BEGC 134 में भी किए होंगे, तो यू ऑल नो कि वो कैसे पैटर्न वो चेंज हुआ है करंट पैटर्न में, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोज, प्रोज क्या है इसके बारे में बताना है। टाइप्स ऑफ प्रोज क्या है ये भी देख लीजिएगा, जैसे मैंने बताया। डिस्कस द काइंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोज, तो काइंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोज क्या है, जैसे ऑटोबायोग्राफी एज अ काइंड ऑफ प्रोज, फिर एसे एज अ काइंड ऑफ प्रोज, शॉर्ट स्टोरी एज अ काइंड ऑफ प्रोज, क्या है ये चीज़ को आपको देखना है। डिफाइन फिक्शनल प्रोज एंड इवेलुएट, फिक्शनल प्रोज भी है, बहुत सारा प्रोज है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा बुक में क्या क्या चीज़ है, या आप देख लीजिएगा, बहुत सारा मैंने एग्जांपल्स बताया एज अ जनरल। फिर डिफाइन फिक्शनल प्रोज एंड इवेलुएट इट बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम एनी टेक्स्ट डिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स, तो फिक्शनल प्रोज क्या है, फिक्शनल है, फिक्शनल मतलब ट्रू, ये ट्रू है कि नहीं ये आप देख लीजिएगा, एंड इवेलुएट इट बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम एनी टेक्स्ट डिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स, तो आपको कोर्स के हिसाब से आपको देना है। ये आपका ओपन एंडेड है, ये आपका मेंशन नहीं किया गया है, तो ओपन एंडेड कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा होता है जो आपको बताया नहीं जाता है, आप खुद उसको जो आपका स्टडी कोर्स में है अगर एक हो या दो हो तो इसको आपको बताना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोज में क्या है, जैसे वो शॉर्ट स्टोरी टाइप का हो सकता है या कैसा टाइप का होता है, ये आपको बताना है, एंड यू कैन गिव प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू इट एज वेल, ठीक है। ये 400 वर्ड्स का है। फिर से टू में क्या है, एनी फ्रैंक्स द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के बारे में फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज मच मोर देन अ पर्सनल अकाउंट ऑफ आर एक्सपीरियंस डिस्कस, तो ये एक जो पर्सनल अकाउंट ऑफ आर एक्सपीरियंस है इसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि डायरी में वो अपना पर्सनल अकाउंट ही था कि नहीं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। फिर और क्या है क्वेश्चन, एग्जामिन द बायोग्राफिकल टेक्निक्स यूज बाई बोसवेल इन लाइफ ऑफ जॉनसन, तो बायोग्राफिकल टेक्निक्स जो यूज़ किया गया है, जैसे बायोग्राफी यूज़ किया गया है, जैसे पहले भी आप लोग
ये चीज़ पढ़े हैं कि कैसे करके किट चॉपिन यूज़ किए थे, ठीक है, दी अवेकनिंग में। आप लोग अगर पढ़े होंगे, याद आ रहा है आप लोग को थोड़ा करके कि बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि वो एक कोई भी स्टोरी या नॉवेल या कोई चीज़ में आप उसके हिसाब से ही वही कॉन्टेक्स्ट जैसे अपने लाइफ में हुआ है वैसे ही आपको वो बायोग्राफिकल टेक्निक से वो यूज़ किया जाता है। वो अपने ही लाइफस्टाइल से एक स्टोरी लिखता है जिसमें कहीं ना कहीं उसका कॉन्टेक्स्ट से सिमिलैरिटी है। फिर है 3, थ्रू हर ग्रीफ उर्मी इज ड्रॉन इनटू द लाइव्स ऑफ 3 वेरी डिफरेंट वुमेन हु आर हॉन्टेड बाय फियर्स, सीक्रेट्स एंड डीप ग्रीफ, डिस्कस विद रेफरेंस टू शशि देशपांडेज दी बाइंडिंग वाइन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि 3 डिफरेंट वुमेन जो कि हॉन्टेड बाय फियर्स है, सीक्रेट एंड डीप ग्रीफ है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और आप जब इसको एक्सप्लेन कीजिएगा तो आप इसको पॉइंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है, तो आप इसको अगर चाहें तो इसको स्प्लिट करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, या आप उसको पॉइंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं या आपको अंडरलाइन करके भी उसके चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स में। फिर क्या है, द बाइंडिंग वाइन डिस्कसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडिया दैट वुमेन हैव ऑफ देमसेल्व्स एंड द आइडिया ऑफ द सोसाइटी इम्पोजेज ऑफ देम। तो ये एक काइंड ऑफ नोशन है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है कि जो आइडिया ऑफ द सोसाइटी है और इम्पोजेज ऑन देम कि क्या आपको किया गया वुमेन के ऊपर में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको बताना है। डिस्कस द एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट से आपको ये चीज़ बताना है। फिर 4 क्या है, कमेंट अपॉन द ट्रेजेडी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द इनसेंसिबिलिटी ऑफ द लिसनर्स इन द शॉर्ट स्टोरी माइजरी बाय एंटोन चेकोव। ठीक है, 20 मार्क्स का है। फिर डिस्कस एंड एस्टैब्लिश दैट इन द लेगेसी वी हैव द थीम ऑफ ईगो, जेलेसी, आइडेंटिटी एंड जेंडर रोल्स। तो यहाँ पर बहुत सारा आइडेंटिटी के थीम के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो थीम भी आप जानते होंगे कि एक टाइप्स ऑफ स्टोरी का जो एलिमेंट्स है, जो आप बिगला 131 में भी पढ़े होंगे, 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो उसके बारे में एक थीम बताया गया है कि थीम भी एक सेंट्रल एलिमेंट होता है कि क्यों स्टोरी लिखा गया था, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर क्या है, जुडा वॉटन गिव्स द इनसाइडर व्यू ऑफ ज्यूइश लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। तो ज्यूइश लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया क्या है, इसके बारे में बताना है। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, तो एक प्रेस्क्राइब टेक्स्ट के साथ में आपको करना है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको आंसर करना है। 20 मार्क्स का ये है। फिर डिस्कस द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकॉम्बर एज एन एग्जाम्पल ऑफ नरेटिव प्रोज। फिर से नरेटिव प्रोज में जैसे आई, मी, यू, ये सब चीज़ यूज़ होता है, तो आप बोल सकते हो कि ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव है या सेकंड पर्सन नरेटिव है या थर्ड पर्सन नरेटिव है, ये चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ इज इट इज़ देयर। और वो जो आपका फीचर्स है ऑफ नरेटिव प्रोज में, इसमें आपको देखना है कि द ऑथर ट्राइड्स टू नरेट दैट सेटिंग, और उसमें बहुत सारा चीज़ में नरेशन एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन है इन दिस ये थिंग। व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ एडमंड लीचेस इन मेन एंड लर्निंग ऑन एजुकेशन एंड सोसाइटी, इसके बारे में आपको बोलना है 20 मार्क्स। व्हाट आर द टैगोर्स व्यूज़ ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट एज रिफ्लेक्टेड इन द आर्टिस्ट, ये है। फिर 7 क्या है, नरेट द ओपिनियन ऑफ किन्सियर्ड अबाउट इंग्लैंड व्हेन शी फर्स्ट विजिटेड इट, और डिस्कस लैम्ब एज अ प्रोज राइटर। तो प्रोज राइटर के बारे में आपको बताना है जो लैम्ब थे, ठीक है, इसके बारे में आपको एलिमेंट्स डिस्कस करना है कि कैसे करके वो प्रोज राइटर थे। 20 मार्क्स का था ये, ठीक है। और लास्ट आपका जो आज के लिए है पेपर वो है दिस थिंग। उसके बाद हम कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ कुछ चैप्टर्स थे, कुछ कुछ चैप्टर्स चेंज हुआ है, कुछ कुछ चैप्टर्स न्यू ऐड भी हुआ है, या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कुछ कुछ चीज़ सेम भी है, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि ये ओल्ड पैटर्न का था, जैसे मैं बताया कि BEGC 134 का अगर आप पेपर देखे होंगे, समथिंग लाइक दैट, रफली वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या जैसे आप लिटरेचर पेपर आप देते हो 60-20 वैसे करके आपका ब्रेक करके दिया जाता है शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद जो पेपर होता है, ठीक है। 400 वर्ड्स में फिर से वो दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द स्टोरी मदर एट वन लेवल अबाउट द इंडिविजुअल मदर, क्या है, हाउ इज़ द स्टोरी मदर एट वन लेवल अबाउट द इंडिविजुअल मदर एंड ऑन द अदर अबाउट रिलेशनशिप। तो मदर के बारे में एक साइड में अगर आप क्वेश्चन से देखिएगा तो यहाँ पर बताया गया कि एक इंडिविजुअल मदर जो उनका है और अदर अबाउट रिलेशनशिप, मतलब अदर्स के साथ उनको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है, और ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पर बोलना है कि राइटर कौन है, ठीक है। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क्स के लिए। इज़ द टाइटल माइजरी इन द अकॉर्डेंस विथ द सब टाइटल, टू हुम शैल आई टेल माई ग्रीफ। तो इसमें आपका टाइटल को ना जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है जो इज़ इन अकॉर्डेंस विद द सब टाइटल, टू हुम शैल आई टेल माई ग्रीफ, ठीक है। तो इसका जो सब टाइटल है उसका
दोनों का जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि वो क्रिटिकल एनालिसिस जैसे होता है तो वैसे ही टाइप का है कि माइजरी जो है अकॉर्डेंस ऑफ सब टाइटल टू हुम शल आई टेल माई ग्रीफ है कि नहीं, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में मैंने पहले ही बताया कि ऑटोबायोग्राफी क्या है, जो खुद लिखता है। तो डू यू अग्री विद द नरेटिव ऑफ गांधीज ऑटोबायोग्राफी, मतलब वो खुद लिखे हैं अपने ऑटोग्राफी को, ठीक है, वो खुद लिखे हैं अपने बारे में। तो गांधीज ऑटोग्राफी इन स्ट्रक्चर्ड इज स्ट्रक्चर्ड बाई बैलेंसिंग एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों का, वो जो खुद के बारे में लिखे हैं अच्छे बुरे सब चीज़ को, सक्सेस एंड फेलियर, उनके जो सक्सेस वो क्या अच्छे कर पाए या उनका क्या सफलता था या उनका फेलियर था उसके बारे में, एंड पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में आपको बताना है कि क्या क्या वो चीज़ मैंशन किए हैं। वट आर एनी फ्रैंक्स रीज़न फॉर राइटिंग अ डायरी, फिर से देखिए एनी फ्रैंक का जो डायरी था वो यंग गर्ल के ऊपर में आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन को जस्ट थोड़ा घुमा दिया गया है। तो रीजन्स ऑफ राइटिंग अ डायरी क्या है, फिर राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द इंटीग्रेट प्लॉट ऑफ द बाइंडिंग वाइन कंप्रेजिंग थ्री पैरेलल स्ट्रैंड्स, ठीक है। हम लोग ये पहले भी देखे हैं, अब ये देखिए पहले थीम के ऊपर में था, अब प्लॉट के ऊपर में है। अब प्लॉट के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि प्लॉट में आपका राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, फिर क्लाइमैक्स, ये सब चीज़ आता है। तो क्या क्या थ्री पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं ये आप देखिएगा। प्लॉट में मैंने जस्ट ऊपर ओवरव्यू मैंने दिया, इसके बारे में आपको बताना है कि क्या प्लॉट एग्जैक्टली है आपका बाइंडिंग वाइन में और इसका थ्री पैरेलल स्ट्रैंड्स क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर है और राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन शशि देशपांडे आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, वो कैसे करके कैरेक्टराइजेशन करते हैं। फिर फोर क्या है, गिव अ समरी ऑफ डी एच लॉरेंसेज मॉर्निंग इन मेक्सिको, द मॉर्निंग इन मेक्सिको के बारे में आपको बताना है इसका समरी। आप जब समरी लिखते हो तो उसको शॉर्ट थोड़ा करना है ऑफ कोर्स, और इसमें आपको जो राइटर और स्टोरी फिर से बताना है उसके बारे में पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा और उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द स्टाइलिस्टिक फीचर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव प्रोज, फिर से डिस्क्रिप्टिव प्रोज में आपका डिस्क्रिप्शन आता है। आंसर द स्पेशल रेफरेंस टू द पैसेजेस फ्रॉम द ब्लीक हाउस बाय चार्ल्स डिकेंस, तो आपका क्या है इसके बारे में आपको बताना है। हाउ डज इट डिस्क्राइब द ब्लैक ब्लीक हाउस, ये आपके बारे में बताना है बाय चार्ल्स डिकेंस। गिव कैरेक्टर स्केचेज ऑफ मंगलाल, मगनलाल एंड विमला फ्रॉम द स्टोरी दी अदर वुमेन बाई दीना मेहता, तो इसके बारे में आपको बताना है, कैरेक्टर स्केचेस के बारे में बताना है। कैरेक्टर स्केच आपका वुमेन के बारे में भी आ सकता है, मेन सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट के बारे में भी आ सकता है, या माइनर जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में भी कैरेक्टर स्केच आ सकता है। तो हाउ डज हिस्टोरिकल नरेटिव डिफर फ्रॉम द नरेटिव प्रोज इन अ ट्रेवलॉग, तो हिस्टोरिकल नरेटिव क्या है, जो हिस्टोरिकल नरेटिव है पिछले हो चुका है, पहले हो चुका है, वो एक हिस्टोरिकल नरेटिव है जो कि कोई पहले जा चुका था, वो कहीं पर विजिट किया है, उसके बाद वो नरेट कर रहा है उसका एक्सपीरियंस। और नरेटिव प्रोज क्या है, नरेटिव प्रोज में आपका अगर आप देखोगे तो एक प्रोज को नरेट किया जा रहा है, ठीक है, इन अ ट्रेवलॉग। तो इसमें क्या है कि हिस्टोरिकल नरेटिव पहले ही हो चुका है, और नरेटिव प्रोज आपका डिफरेंस में क्या है कि एक स्टोरी फॉर्म में है, ठीक है, इन अ ट्रेवलॉग। तो ये आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है या उसका पास्ट के बारे में आपका नहीं दिया जा रहा है, तो उसका जो एलिमेंट्स है वो पास्ट को सिग्निफाई नहीं करता है जो आपका नरेटिव प्रोज में है। आप अगर देखोगे तो वो एक डिफरेंट एलिमेंट में होगा, वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में यूज़ किया होगा, ठीक है। फिर नरेट योर व्यूज़ ऑन द यूज़ ऑफ इमेजरी, डिक्शन एंड पंक्चुएशन टू एनहेंस द इफेक्टिवनेस एंड ऑफ नरेशन, तो जो इमेजरी, डिक्शन और पंक्चुएशन है, इमेजरी मतलब इमेजेस यूज़ करना, जैसे कोई भी इमेज है कोई भी चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन करने होता है, डिक्शन और पंक्चुएशन टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ नरेशन, नरेशन को कैसे करके अच्छा किया जाता है, जैसे पंक्चुएशन यूज़ करने से उसका सेंस ऑफ स्टॉपेज ऑफ द वर्ड्स के बारे में वो बताता है एक स्टोरी में। फिर आइडेंटिफाई द नरेटिव डिवाइसेज इन रामानुजन स्टोरी इन सर्च ऑफ अ ड्रीम, तो नरेटिव डिवाइसेज क्या क्या चीज़ यूज़ किया गया है, क्या वो कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या जैसे मैंने, जैसे आप लोग ने देखा था, जैसे टाइप्स ऑफ नरेटिव क्या है इसके बारे में आपको देखना है। फिर क्या है, लास्ट है सेवन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 200 वर्ड्स ईच, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नरेटिव प्रोज, तो जैसे मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ नरेटिव एक हो सकता है क्वेश्चन, या ऐसे भी हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नरेटिव प्रोज क्या है, तो नरेटिव प्रोज में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है, या फिर उसमें आप बता सकते हो कि आई, यू, देम, दे, ये सब चीज़ यूज़ होता है। फिर टैगोर स्टाइल इन द आर्टिस्ट, तो टैगोर कैसे करके लिखते थे ये आर्टिस्ट में, ये इसके बारे में बताना है। फिर कंपैरिजन बिटवीन नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव प्रोज, फिर से ये सेम क्वेश्चन है
कि नरेटिव क्वेश्चन में आप नरेटिव प्रोज में आपका क्या है कि वो आई वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में यूज़ होता है, और डिस्क्रिप्टिव प्रोज में डिस्क्रिप्शन यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर मेथड ऑफ डेवलपिंग एक्सपोजिटरी कंपोजिशन, तो एक्सपोजिटरी कंपोजिशन में एक पर्टिकुलर कैसे करके इंट्रोडक्शन देना है, कैसे करके आपका वेल स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये था आपका लास्ट पेपर, 5 सेशन का पेपर था आपका, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई थिंक सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइट कम। देयर विल बी अ करेंट सेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट माइट कम, एंड इफ पॉसिबल आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द वेज ऑफ राइटिंग एज वेल। ओके, तो ये चीज़ ये क्वेश्चंस आप सर्च करके एक बार देखो उसको, एक बार सर्च करके देखो कि कौन कौन सा चीज़ आपका बुक में है, और इसके बारे में हम लोग और भी अगर वीडियोज़ हो तो हम लोग बनाएंगे, और अगर आप लोग का स्पेसिफिक डाउट है तो आप लोग ज़रूर से हमको बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।